प्रयागराज कुंभ में कुछ विशेष मिल रहा है प्रयागराज प्रयागराज को तो इतना मिल रहा है कि लेने के लिए उनकी झोली छोटी पड़ रही है। और दीपावली की मैं आप सभी प्रयागराजवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, दुनिया भर में बसे हुए भारतवासी जो दीपावली का पर्व मनाते हैं उनको सबको बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। प्रयागराज के लिए यह वर्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय हम विकास के एक नए पथ पर, जहाँ अंधकार से कैसे प्रकाश, जहाँ बर्बादी से विकास की ओर प्रयागराज आगे बढ़ रहा है, वहीं जनवरी में 13 तारीख से प्रयागराज के कुंभ मेले की भी शुरुआत होने जा रही है। और प्रयास हमारा यही है कि जैसे अर्धकुंभ में 24 करोड़ लोग आए थे, इस बार उससे अधिक से अधिक संख्या में लोग आवे, उसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी की है, सुरक्षा की दृष्टि से भी, तीर्थयात्रियों की सेवा की दृष्टि से भी, और प्रयागवासियों को भी मैं आह्वान करता हूँ वह भी इसमें सहभागी बने। आज देखिए अपराधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी ताकतवर नहीं हो सकते। आज मैं अभी आ रहा था संगमेरपुर धाम से, एक चौराहा था जहां तमाम लुंगी छाप गुंडे बैठ करके लोगों को सताया करते थे। मैंने पूछा आप कोई बैठता है कहां, अब तो बिल में घुस गए। तो वह सब समय खत्म हो गया है। गुंडागर्दी कोई करेगा, कोई अपराध करेगा, कोई हत्या करेगा, छिनैती करेगा, डकैती करेगा, तो उसके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई हो रही है और आगे भी हो। चुनाव में फूलपुर सहित हम सभी 9 सीटें जीत पाए। महाकुंभ की तैयारी चल रही है, सभी लोगों को सबसे पहले मैं दीप पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज वह दिन है जब त्रेता युग में भगवान श्री राम लंका विजय अर्थात रावण का वध करके महर्षि भरद्वाज जी के चरणों में प्रणाम करने आए थे और महर्षि जी की आज्ञा के अनुसार उस रात्रि यहीं पर विश्राम किए थे। यहाँ से श्री हनुमान जी महाराज को अयोध्या भरत जी के पास, चूंकि 14 वर्ष में एक भी दिन अगर समय अधिक हुआ तो भरत जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं चिता में अपने आप को समर्पित कर दूंगा, तो हनुमान जी ब्राह्मण वेश में यहाँ से गए थे और यहाँ से भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और सब उनके जो मित्र थे उनके साथ श्रृंगवेरपुर गए। श्रृंगवेरपुर में सीता मैया ने गंगा मैया से जो मनौती मानी थी वहां गंगा मैया की पूजा किया। आज हम लोग श्रृंगवेरपुर भी गए थे, अयोध्या भी मैं गया था। अयोध्या में दीप उत्सव का कार्यक्रम इस वर्ष का एक अलौकिक आनंद देने वाला था क्योंकि 7 वर्ष से हम लोग वहां दीप उत्सव कर रहे हैं, लेकिन रामलला के जन्म स्थान पर विराजमान होने के बाद यह प्रथम दीप उत्सव था। ये एक अलग राम भक्तों को उत्साहित करने वाला, उनको परम आनंद देने वाला रहा है क्योंकि अयोध्या में दीप उत्सव आज के दिन ही किया जाता रहा है, लेकिन भगवान राम लंका विजय के बाद आज के दिन अर्थात 14 के दिन महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में आए थे और अगले दिन गंगा मैया की पूजा और अपने मित्र सखा निषाद राज जी से मिल करके अयोध्या के लिए प्रस्थान किए थे। तो आज का दिन और कल का दिन, आज का दिन तो महर्षि भरद्वाज आश्रम के लिए ही, प्रयागराज के लिए ही है और कल का दिन श्रृंगवेरपुर धाम के लिए और फिर अयोध्या के लिए है जहां दीपावली का एक बहुत सुंदर पर्व मनाया जाता है। आज हमें बहुत हार्दिक प्रसन्नता है इस पवित्र स्थान जहां स्वयं भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, वशिष्ठ जी महाराज सब लोगों को आना हुआ है। आज यहां पर दीपोत्सव ऐसे परंपरागत तरीके से सब लोग मनाते रहे हैं, लेकिन इस बार से दीपोत्सव यहां भी बहुत भव्य और दिव्य तरीके से शुरू हुआ है और श्रृंगवेरपुर धाम में भी शुरू हुआ है और इसे और भव्य और दिव्य तरीके से संपन्न करने का अगले वर्ष से प्रयास किया जाएगा। चूंकि यहाँ प्रयागराज कुंभ के कारण हम लोगों की और प्रयागवासियों की सदियों से इच्छा थी, पूज्य साधु संतों की, क्योंकि पहले गंगा मैया मान्यता के अनुसार यहीं से उनकी धारा थी और महर्षि भरद्वाज जी का यह कॉरिडोर बहुत अव्यवस्थित था, बहुत अतिक्रमण से ग्रस्त था और इसे भव्य और दिव्य तरीके से बनाया जाए और उस दिशा में
सरकार ने कदम उठाए हैं और उसका कुछ स्वरूप आज देख करके मुझे